जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाता है। इसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। ये आवेशित वस्तुएं फिर हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इसी को हम गतिविधि के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जिसमें हम आवेशित वस्तुओं के गुणों को देखेंगे। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये काली मिर्च और नमक का मिश्रण है। तो इसमें से हम नमक को और काली मिर्च को अलग करेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का चम्मच ले सकते हैं। तो इसको आपने किसी गर्म कपड़े से रगड़कर इसके पास लेकर आना है। तो देखिए कैसे जो काली मिर्च के दाने हैं ये चम्मच के साथ चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से ये आवेशित होने के कारण काली मिर्च के दानों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसी एक्टिविटी को हम एक स्ट्रॉ के साथ भी करके देखेंगे। तो स्ट्रॉ प्लास्टिक की बनी है, तो आप इसको किसी भी गर्म कपड़े से रगड़ कर ले आएँ। तो देखिए आप इनके जो कणों की गति है उसको भी देख पा रहे होंगे कि कैसे ये एकदम से स्ट्रॉ के साथ चिपक जाते हैं। तो आवेशित होने के कारण स्ट्रॉ इनको अपनी तरफ खींच लेती है। अब इसी एक्टिविटी को हम एक नए तरीके से करेंगे, और इसके लिए हम एक बैलून लेंगे। तो बैलून को फुलाकर आप किसी गर्म कपड़े के साथ रगड़कर इस मिश्रण के पास लेकर आएं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कण जो है वो गति कर रहे हैं और कैसे ये गुब्बारे के साथ चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं आप भी घर पे करिए। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की चीज़ें लेके उनको आवेशित कीजिए और अपने प्रयोग कीजिए। थैंक यू।